दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टाउन्स के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ मरना ही अलाउड नहीं है। और तो और एक ऐसा भी टाउन है जिसके ओनर मर्मेड्स है। जी हाँ, चलो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अनयूजुअल टाउन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर वन, एनाबेल डॉल्स तो आज सबको पता है, पर क्या हुआ अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा गांव है जो कि पूरी तरह डॉल से भरा हुआ है? क्या आप जाना चाहोगे ऐसे गांव में? जापान में नागोरो नाम का एक गांव है जहाँ सिर्फ डॉल्स रहते हैं। जी हाँ, ये गांव काफी अंदर माउंटेन्स में छुपा हुआ है, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन कम होते गई। कुछ 11 साल पहले यहाँ एक लड़की अपने गाँव नागोरो वापस आई थी और तब उसने अपने स्वर्गवासी पिताजी के लिए एक डॉल बनवाई थी। ये डॉल बनाते समय उसे आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी और डॉल्स बनाकर गांव के हर जगह रखी जाए। तो तब उस लड़की ने इंसान के साइज के 350 डॉल्स बनाई और ये डॉल्स उसने स्कूल्स में, नदी किनारे और ऐसे गांव में हर जगह रख दी। देखकर आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मानो ये नॉर्मल गांव ही है, लेकिन डॉल से भरा हुआ है। ना यूनिक पर डरावना भी है। क्या आप में से भी किसी को डॉल से डर लगता है? नंबर टू, ये है दुनिया का सबसे वियर टाउन जहां आप सुकून से मर भी नहीं सकते। जी हाँ, नॉर्वे की लॉन्गेरबियन ये एक ऐसी सिटी है जहां सनसेट साल में सिर्फ एक ही बार होता है, जो होता है 25 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद अगले 4 से 5 महीनों तक सनराइज होता ही नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए सनराइज होना मानो भगवान धरती पर आने जैसे ही होता है। 8 मार्च को वहाँ के लोग ठीक 12:15 पर सनराइज का ईगरली वेट करते रहते हैं, और सनराइज होने के बाद इस गांव में किसी फेस्टिवल की तरह एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल ये इसीलिए होता है क्योंकि ये सिटी दुनिया की सबसे नॉर्थ मोस्ट सिटी है, और यहाँ की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ लोगों को मरना अलाउड नहीं है। जी हाँ, यहाँ के आर्कटिक क्लाइमेट की वजह से इस सिटी में डेड बॉडी डीकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पिछले 17 सालों से यहाँ के ग्रेवयार्ड्स डेड बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कोई मरने के पॉइंट पर आ भी गया हो तो उसे वो एरिया छोड़कर किसी और एरिया में मरने के लिए कहा जाता है। बहुत अजीब है यार। नंबर थ्री, मर्मेड्स तो हमने शायद सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं, है ना? लेकिन क्या हुआ अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी टाउन है जहाँ सिर्फ मर्मेड्स रहते हैं? फ्लोरिडा की विकीवाची एक ऐसी सिटी है जिसे सिटी ऑफ मर्मेड्स भी कहा जाता है। करेंटली यहाँ 15 फीमेल मर्मेड्स और 4 मेल मर्मेड्स मौजूद है, और ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे डीपेस्ट नेचुरल स्प्रिंग्स है। अब आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि यहाँ अंडर वाटर थिएटर बनाया गया है जहाँ लाइव मर्मेड शोज होते हैं, है ना बढ़िया? इसके अलावा यहाँ एनिमल शोज, वाटर राइड्स और एक ब्यूटीफुल सा वाटर पार्क भी है। नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया में कूबर पेडी नाम का एक टाउन है जो कि अंडरग्राउंड में बसा हुआ है, यानी घर, स्कूल्स, स्टोर्स सब कुछ अंडरग्राउंड में ही है। ये टाउन दुनिया का सबसे बड़ा ओपल माइनिंग टाउन है और यहाँ का टेम्परेचर 129 फारेनहाइट तक जाता है, इसीलिए वहाँ के माइनर्स ने अंडरग्राउंड रहने का डिसाइड किया था, और तब से यहाँ अंडरग्राउंड एक पूरी की पूरी सिटी बसी हुई है जहाँ चर्चेस से लेकर दुनिया का सबसे पहला 4-स्टार अंडरग्राउंड होटल भी मौजूद है। यहाँ आप पॉपुलर फिल्म सेट्स भी देख सकते हो जैसे कि मैड मैक्स, रेड प्लैनेट एक्सेट्रा। वैसे दोस्तों, क्या आपको हमारे ये अनयूजुअल थिंग्स के वीडियोस पसंद आते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।